हम रोहतक से आए हैं, जैसे कि हम मोबाइल है, बैग है हमारा, ये मना कर रहे हैं। हमने बोला रिक्वेस्ट किन से कि हमारा जो पर्सनल कुछ भी सामान है हम अंदर रख देंगे, हमको स्पेस चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि हम आपको स्पेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तभी इनमें से एक अंदर से बंदा आता है, वो बोलता है कि हमारे हस्बैंड है, हमारे जानकार है, उधर रख दीजिए। हम उनके पास गए रखने के लिए, तो उन्होंने हमसे पर बैग 20 रुपए की डिमांड की। अब ये बताइए, आप 20-30-50 रुपए के हमने ये बोल दिया कि हम लेकर बंदा भाग गया, क्या तो चल रही उसकी, कौन देगा, खट्टर देगा पीछे। है ना, जो खुद जो स्कूल स्टाफ है ना वो ले सर। अब हम वहाँ पर बैग लगाएंगे, उसकी गारंटी कौन लेगा, उसमें से कौन निकालेगा। 2 किलोमीटर दूर 50 रुपये 40 रुपये 30 रुपये लेके हमारे बैग वहाँ पर रख रहे हैं। मैं भाई डी ग्रुप की जो भर्ती है उसका पेपर देने के लिए आए थे, यहाँ से हमने बोला भाई हमारा बैग यहाँ साइड में रखवा लो, तो ये मना करते हैं, इन्हें यहाँ नहीं रखा जाएगा, इसके इसीलिए बोल रहे थे हम। तो हम वहाँ गए, इनका रिलेशन में है कोई, उन्होंने बोला भाई 20 रुपये बैग लगेगा। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल में इस समय मौजूद है सीईटी के आज ग्रुप के एग्जाम है, और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। प्रदेश भर से जो युवा साथी हैं वो यहाँ पर एग्जाम देने पहुंच रहे हैं, सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन कुछ एक युवा परेशान होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, एग्जाम का टाइम हो गया और इनको क्या परेशानी है, ये इन्हीं से जानना चाहेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ परेशानी आ रही है और किस चीज़ के एग्जाम कहाँ से आए हैं? सर हम रोहतक से आए हैं, जैसे कि हम मोबाइल है, बैग है हमारा, ये मना कर रहे हैं। हमने बोला रिक्वेस्ट किन से कि हमारा जो पर्सनल कुछ भी सामान है हम अंदर रख देंगे, हमको स्पेस चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि हम आपको स्पेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तभी इनमें से एक अंदर से बंदा आता है, वो बोलता है कि हमारे हस्बैंड है, हमारे जानकार है, उधर रख दीजिए। हम उनके पास गए रखने के लिए, तो उन्होंने हमसे पर बैग 20 रुपए की डिमांड की। अब ये बताइए, आप 20-30-50 रुपए की, अब ये बताइए, हर शिफ्ट में 500-1000 बच्चे हैं, इनके हिसाब से तो उनका रिलेशन है, मतलब पैसे तो इनके पास जाएंगे ना, इनकी पहले से ही सेटिंग है। तो अब हम क्या करें, हमारा जो पर्सनल साउंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल लेगा या हम लेंगे? हालांकि आपको पता है कि तकरीबन सरकारी एग्जाम्स में जो बैग्स हैं मोबाइल्स हैं अंदर अलाउड नहीं करते हैं सेंटर के अंदर। हमने काफी एग्जाम दिए हैं, 56-57 का भी दिया था, उसके अंदर भी स्कूल वाले अलग से हमें स्पेस प्रोवाइड किया था। तो ये तो साफ मना कर रहे हैं कि डीसी मना कर रहा है, लेकिन आप स्पेस तो दे सकते हैं ना, एक बंदा देना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि आपके सामान की हम जिम्मेवारी लेते हैं। अब हम रोहतक से आए, मोबाइल है, इनको हम रखेंगे कहाँ, ये बताइए। हाँ वो भी तो नहीं ले रहे ना, वो अगर पैसे ले रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहा होगा, वो नहीं ले रहा सर। ये बताइए, हमारा सामान दूसरा लेके चला गया, फिर ये एक रूम दे दे, उसके अंदर रखवा दे, एक बंदा बैठा दे, कुछ जाएगा, स्पेस तो है ना इनके पास। तो बिल्कुल, हालांकि आप देख सकते हैं एग्जाम की तैयारी काफी युवा करते हुए नजर आ रहे थे, सरकारी नौकरी के लिए आप देख सकते हैं एग्जाम है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज किस चीज का एग्जाम है और किस चीज की नौकरी रहने वाली है जिसको लेकर पूरे हरियाणा से पहुंचे हैं स्टूडेंट? मैं भाई डी ग्रुप की जो भर्ती है उसका पेपर देने के लिए आए थे, यहाँ से हमने बोला भाई हमारा बैग यहाँ साइड में रखवा लो, तो ये मना करते हैं, यहाँ नहीं रखा जाएगा, इसके इसीलिए बोल रहे थे हम। तो हम वहाँ गए, इनका रिलेशन में है कोई, उन्होंने बोला भाई 20 रुपये बैग लगेगा, हमने मना कर दिया भाई हम नहीं रखेंगे, इसीलिए आपको कॉल किया था। सर देखो, अभी तो मजबूरी अगर है, आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि यार एग्जामिनेशन सेंटर में कोई ऐसा लॉकर दिया जाए या कोई एक रूम दिया जाए और एक सिक्योरिटी गार्ड दिया जाए जहां पर आप सभी बैग रख पाए, यही बात रखना चाहते हैं? हर एग्जाम में परेशानी आती है इस तरह की? हाँ, हर एग्जाम में इस तरह की परेशानी आती है, ताकि आगे से दोबारा परेशानी ना हो, आप यही चाहते हैं ना कि हर एग्जाम हो तो एक कमरा और एक सिक्योरिटी गार्ड दे दिया जाए ताकि वहां पर बैग रखे जाए, क्योंकि आसपास अगर आप किराए पे अगर बैग देते भी हैं। अथॉरिटी है ना, जो खुद जो स्कूल स्टाफ है ना वो ले सर। अब हम वहां पर बैग लगाएंगे, उसकी गारंटी कौन लेगा, उसमें से कौन निकालेगा। 2 किलोमीटर दूर 50 रुपये 40 रुपये 30 रुपये लेके हमारे बैग वहां पर रख रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता, कोई रोहतक से कोई मैम से कोई झज्जर से, इतनी दूर से तो हम आए हैं, और अब वहां पर ही आकर ये माहौल सर देख सकते हो आप। क्या चाहते हैं हम? तो यही चाहते हैं कि हमारा बैग अंदर रखवा ले स्कूल अथॉरिटी, ले हम ये चाहते हैं। नहीं सर, आप एक बात बताइए, हर बंदा अपने साथ एक फैमिली मेंबर तो लेके आ नहीं सकता, क्योंकि घर में अकेला भी है, मतलब जैसी सिचुएशन है, किसी की बीमारी है, कैसा अकेला बंदा आएगा तो मतलब वो किसके अटेंडेंट साथ लेके आएगा? कुछ बंदे लेके भी आए हैं, वो तो अपना बैग उनको सबमिट करवा देंगे, हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएं सर? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे युवा हैं जो एग्जाम देने आ रहे हैं, वो तो अपने साथ उनका कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर आ रहा है, लेकिन कई जगहों पर ऐसी नहीं है, अकेले युवा आ रहे हैं तो उनको परेशानी जरूर हो रही है। अब सभी एग्जाम सेंटर में इस तरह की परेशानी हो रही है, हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन अंदर मोबाइल फोन और बैग्स जो हैं वो अंदर अलाउड नहीं किए गए हैं। आप देख सकते हैं इस समय स्कूल्स के जो इस समय
ड्यूटी इंचार्ज लगा रखे हैं, उनसे भी कोशिश जरूर करेंगे बातचीत करने की, लेकिन कहीं ना कहीं आगे के लिए सरकार भविष्य में इस चीज़ का ध्यान जरूर रखे। जिस तरह से युवाओं को हर एग्जाम सेंटर के बाहर इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है, आप देख सकते हैं बैग्स लेकर पहुंचे हुए हैं, लेकिन बाहर दुकानें भी बंद है। काफ़ी दूर जाकर एक दुकान मिली है जो 20-30 रुपये ले रहा है बैग रखने के, लेकिन उनको खतरा है कि उनके मोबाइल फ़ोन उसमें से ना निकल जाए, बैग चोरी ना हो जाए। इनका कहना ही है कि सरकार से अपील है कि हर स्कूल में जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर होता है, स्कूल की तरफ से एक कमरा जरूर दे दिया जाए जहां पर वह ये बैग अपने रख पाएं। लेकिन बात वही उठती है कि अगर बाद में उस जगह से भी अगर किसी का बैग या सामान चोरी हो जाता है तो हंगामा जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम जरूर इस चीज़ का बनाना पड़ेगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं पूरे हरियाणा से लड़के और लड़कियाँ एग्ज़ाम देने पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं किसी ना किसी के साथ तो परिवार का कोई सदस्य है, लेकिन जिसके साथ कोई परिवार का सदस्य नहीं है उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। कितने बजे एग्जाम शुरू होना है आपका? 9:30। एक ही शिफ्ट में है एग्जाम? नहीं, दो शिफ्ट में है जी। दो शिफ्टों में है आज ही या दूसरी शिफ्ट कभी आपका? ये सर मतलब इवनिंग कल भी दो शिफ्टों में, आज भी दो शिफ्टों में, आज 9:30 बजे के बाद एंट्री बंद है, उससे पहले ही हमें बैग जमा करवाने हैं। तो हमारे पास आप टाइम देख लीजिए, 8:30 बज चुके हैं। अब शॉप भी आप दिखा दीजिए एक बार, बंद पड़ी है, हम जमा कहाँ करवाएं? 2-2 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर जो शॉप है ना, 2 किलोमीटर दूर है। अलग से जाएंगे सर, ये बताइए इतने तीन की एंट्री बंद हो जाएगी, हम तो फंस गए ना। कोई रोहतक से, कोई महेंद्रगढ़, कोई रेवाड़ी, इतनी दूर से बंदे आए हैं। अब सब अटेंडेंट तो अपने साथ लेके नहीं आ सकते, अब स्कूल वाले तो साफ मना करे कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये बोल रहे हैं कि इधर रख दो, हम कुछ भी हो हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे आपकी, साफ मना कर रहे हैं। ये रखवा भी लोग उसकी जिम्मेवारी तो लेने बनता है ना, भूखा है यार, गली में रख दो लख लख ले रहे हैं। हमने ये बोल दिया कि हम लेकर बंदा भाग गया, क्या तो चल रही उसकी, कौन देगा, खट्टर देगा आगे पीछे? सही बात है, सही बात है, यह सरकार की नाकामी है। आपको पहले भी पता होता होगा कि सरकारी एग्जाम्स में बैग और मोबाइल अलाउड नहीं करते, परेशानी तो आती होगी, इसका कोई बंदोबस्त किया जाए। हम एग्जाम के अंदर थोड़ी ना लेके दे रहे, हम बोल रहे हैं कि अलग से एक रूम होता है या फिर गेट के पास रखवा के एक बंदा बैठा दीजिए। जितने एग्जाम दिए उसमें भी तकरीबन ऐसे ही होता है कि बाहर रखने पड़ती है, अपनी जिम्मेवारी होती है। गेट के अंदर जैसे एंट्री है ना, साइड में रखवा देते हैं सर, या एक छोटा रूम होता है उसके अंदर रखवा देते हैं बैग को, और उसके अंदर एक बंदा बैठा मिलता है वो देख लेता है, यही होता है। लेकिन यहाँ तो कोई इनका सिस्टम ही नहीं है सर, बिल्कुल बेकार है। ये तो ऐसे बोलते हैं थोड़ी देर के बाद अपने जब टाइम होगा ना अपने आप आएंगे, देखो मतलब थोड़ा ही है इस बात का कोई तो से मना कर दिया, ये बोले कि अपने आप आएंगे टाइम होने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, ये बोल रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि परेशानी इनकी भी बिल्कुल जायज है, और आप देख सकते हैं परेशान होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर जो गुरु नानक गर्ल्स स्कूल में बनाया हुआ है, इस तरह की परेशानी सभी जगह आ रही है, सभी सेंटर्स में आ रही है और हर साल आती है। इसका कोई ना कोई रास्ता सरकार को, प्रशासन को, स्कूल अथॉरिटी को जरूर जो है निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं इस समय सुबह का समय है, आसपास की जो दुकानें हैं वो भी इस समय खुली हुई नहीं है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी यहाँ पर जरूर उठानी पड़ रही है। आप देख सकते हैं दूर दूर से यहाँ पर जो लोग हैं, युवा है, वो एग्जाम देने यहाँ पर पहुँचते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको बैग, इनके मोबाइल रखने के लिए कहीं जगह नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते इनको बहुत ही परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। कमल मिट्टा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।